किसान भाईयों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम कृषि दर्शन में जैसा कि आप जानते हैं हर दिन नए नए विषयों को लेकर आते हैं आज भी नए विषय को लेकर आपके समकक्ष आ है चुके हैं वैसे शरद काल का जो आगमन है वो हो चुका है बरसात में खरीफ मौसम जो है वो चला गया है अब किसान भाइयों के लिए एक और नई जो पड़ाव है वो आ गया है ऐसे में नए नए पद्धति और नई नई फसलों के साथ में एक बार फिर तैयार है हमारे किसान भाई नई खेती करने के लिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम भी आपको ऐसी नई नई पद्धति नई नई खेती आपको समय समय पर बतलाते रहें जी हाँ आज भी एक ऐसे ही नए विषय पर हम बात करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे आज शरद काल में फूलों की खेती जी हाँ मुख्य रूप से फूलों में भी हम ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं अब कौन कौन से फूल हैं और कैसे हम इस पद्धति को अपना कर या इस खेती को अपना कर हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे एम एच सर से जो कि सहायक संचालक हैं उद्यानिकी भोपाल से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार सर जैसे कि हमने शरद काल में अभी फूलों की खेती के विषय में आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से आपसे जानना चाहूंगा सर कि ये फूलों की खेती में होती कैसी है और कौन कौन से फूल जो है हम अभी शुरुआत में लगा सकते हैं जी जैसा कि आप सभी कृषक बंधु जानते हैं कि परंपरागत खेती से हम लोगों को अब धीरे उतना लाभ नहीं होता जितना कि हम कुछ है। जी। की हमको चाहिए कृषि की लागत बढ़ती जा रही है और हमको पैसे उसमें इतना नहीं मिलता वो कुछ जैसे सोयाबीन क्रॉप से तो फूल बरसात के ऊपर टिकी है तब बारिश हो गई तो ठीक नहीं तो नहीं सबसे अच्छा अगर उनको किसान बंधुओं की सलाह दी जाती है कि अगर उनके पास पानी की व्यवस्था है और अगर थोड़े से एरिए के अंदर अपने पूरी भूमि से अगर दस परसेंट कृषक भूमि के अंदर अगर फूलों की खेती अपनाएं तो उनको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा लाभ दो तरीके से होगा एक तो उनका जो रोजमर्रा के खर्चे वो निकल आएंगे और दूसरा उनको एक मुश्त रकम भी मिल जाएगी जो कि परंपरागत खेती से निश्चित रूप से ज्यादा होगी बिल्कुल तो अब क्यों करना चाहिए तो सर ने बताया ये परंपरागत खेती में जो हम देख रहे हैं विगत कई कई वर्षों से उतना मुनाफा हमें नहीं हो पा रहा है और कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी बताया कि आप अगर दस प्रतिशत हिस्से में भी फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे दैनिक आय भी आपकी बढ़ेगी और जो एक, एक मुश्त रकम होती है वो भी आपको मिल पाएगी रूप से अब जैसे फूलों की खेती हम करना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहली जो सावधानियां होती हैं मतलब सावधानियां कह लें या प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों के लिए क्या क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे देखिए दो तरह से फूलों की खेती गुलाब मोगरा ये स्थाई किस्म के पौधे हैं इसके ऊपर हम करते हैं और बाकी जो होते हैं मौसमी होते हैं मौसमी जिनकी जो, जो फसल का जो अवधि रहती है वो लेके सौ दिन तक की होती है संक्षिप्त अवधि के लिए होता है संक्षिप्त अवधि के अब लिए हर तीन तीन महीने बदलते रहते हैं तो आपको पहले से एक जिस तरह से प्लानिंग की जाती है एक योजना बनाई जाती है उसको योजना बनाना पड़ेगा कि हमको कौन सी सीजन कौन सी लेना है बिल्कुल अब जैसे हमारे सामने अब शरद ऋतु है नजदीक है तो शरद ऋतु सबसे अच्छा माना जाता है गुलाब की खेती के लिए जी है ना जितना गुलाब चूंकि साल भर का पौधा हमेशा परमानेंट लगा रहता है जमीन के अंदर तो जितना उत्पादन उस साल माने के आप एक किलो उसका उत्पादन साल भर में एक पौधा देगा जी तो लगभग पांच सौ से छह सौ ग्राम मतलब पचास से साठ परसेंट सिर्फ वो विंटर के सीजन में दे देगा तीन महीने जी इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी आती है इतना अच्छा फूल आते हैं नंबर चूंकि उसका मौसम उसके लिए अनुकूल होता है उसको लगाते हैं इसी तरह से आप जो दूसरे पौधे मौसमी पौधे उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि गेंदा भी एक लगता है लेकिन क्योंकि गेंदे की सबसे ज्यादा मांग रहती है दीपावली पे दशहरे के टाइम में जिन किसान बंधुओं ने पहले से लगा रखा उनको काफी अच्छा अच्छा दाम मिल दाम मिल, मिल रहा रहा है है और अभी चल रहा है। इसके बाद भी गेंदे की खेती के लिए भी ये जो विंटर का मौसम है बहुत प्यार अच्छा रहता है ये किसान बंधु एक चीज ध्यान रखे जब भी आपको किसी फसल से लाभ लेना है तो उसकी तैयारी पहले से करना पड़ेगी बिल्कुल जैसे अब विंटर जो शरद ऋतु इसके बाद हमारा गेंदे का मौसम अब हमारा सेवंती सेवंती के पौधे फसल आ जाए तब तो हम लगाएं तो उसका उतना हमको मुनाफा नहीं मिल पाएगा पाए पाए कि हम से प्लानिंग है ना जिससे जिन लोगों ने गेंदा पहले से रोपण कर दिया बारिश के पहले बिल्कुल उनको अभी काफी अच्छा पैसा मिल रहा है लेकिन जो अब करेंगे उनको उन्हें उन्हें नहीं नहीं जब गा। गा। बाजार पूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो मांग कम हो जाती है तो उसको रेट निश्चित कम हो जाता है जी तो ये तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग जो है वो पहले से कर ले हम प्लानिंग पहले से कर लें जैसे शरद काल की हम बात कर रहे हैं तो शरद काल में अब जो हम खेती करने वाले तो अब कौन सी प्लानिंग है यानी कौन से कार्य हैं जो अभी हमें करना है देखिए जिनके खेतों के अंदर गुलाब के पौधे लगे हैं खासतौर से देसी पौधे हैं जिसके अंदर जो एड एडवर्ट है हैदराबादी ही काफी खुशबूदार होते हैं और मार्केट में हमेशा लगते रहते हैं मौसम इनके इनका अगर पौधे पुराने पहले से लगे हुए हैं तो अक्टूबर के बाद कटिंग का बहुत अच्छा मौसम होता है जी। किसान बंधु क्या करते हैं एक बार पौधारोपण कर दिया उसको ध्यान नहीं देते अगर आपको सही से ज्यादा फूल लेना है अच्छे वजनदार फूल लेना है खुशबूदार फूल लेना है तो पंद्रह अक्टूबर के बाद आप उसकी पंद्रह से अक्टूबर से इकतीस अक्टूबर के बीच में प्रोनिंग कर दीजिए बिल्कुल प्रोनिंग से मतलब छटाई कर दीजिए। छटाई पुरानी डाली काट दें रोगग्रस्त हटा दें, और जो छोटी मोटी जो ज्यादा शाखा आ रही है उनको हटा दें। एक पेड़ के ऊपर से तीन डाली रखें। बिल्कुल है ना और ज्यादा ज्यादा को भी नहीं रखें बाकी हटा दें इससे आपको दो फायदे होंगे एक तो आपके इंटर करने में आसानी हो जाएगी और दूसरा आपके अंदर उसके जो नई ग्रोथ आती है गुलाब हमेशा नई नई शाख आती है उस पर ही ज्यादा फूल देता है जितना पौधा पुराना होता जाता है अगर डाल आपने नहीं काटी तो फूल आना कम हो जाएगा कम फूल हल्का फूल आएगा बिल्कुल इसलिए इसकी प्रोनिंग बहुत जरूरी है 15 अक्टूबर के बाद अगर आप पुराने पौधे लगे तो उसकी प्रोनिंग शुरू कर दीजिए इससे आपको फायदा होगा किसान बंधु एक चीज और रखते है, कि कि एक एकड़ गुलाब लगा है। तो वो क्या करते हैं कि सब हमारा फूल, अभी मार्केट में जा रहा है। फूल तो आता नेचर का है तो मेरी उससे बहुत अच्छी सलाह है एक एक एकड़ में गुलाब लगा है। या आधा एकड़ में लगा उसको तीन हिस्से में बांट दीजिए आप ताकि आपकी जो इनकम रेगुलर इनकम है वो भी खत्म नहीं होगी बिल्कुल और आपको वो पौधा भी आपको फसल में मिलती रहेगी बिल्कुल जिससे एक हिस्से को पंद्रह अक्टूबर से काट दीजिए दूसरा हिस्से में आप उसके दिन एक महीने बाद काट सकते हैं, काट से, और गोबर की खाद नीम की खली हड्डी के चूरा जो सारे खादे फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्रोटाश वाले पोषे लाके डाल दीजिए पहली बार में गुलाई के साथ लगभग एक पौधे को सारी मात्रा गर्म में लो ग्राम से लेकर डेढ़ ग्राम तक डाला जाता है पौधे छोटे बाकी इसमें बाद में तीन पहला फूल आ जाता है जब हम फूलों की कटिंग करते हैं उसके बाद पहली जो फसल है हमारी गुलाबों की पैतालीस से पचास दिन में आ जाती है उस टाइम आप फिर दूसरा डोज दे सकते हैं उसको उसके बाद फिर प, फिर एक महीने बाद तीसरा डोज फर्टिलाइजर के देते हैं मतलब एक एवरेज अंदाजन अंदाज सौ ग्राम केमिकल अगर मिला है उसके अंदर तो वो आप डाल सकते हैं इससे निश्चित रूप से आपको ज्यादा आमदनी मिलेगी और वो ज्यादा फूल आएंगे और अच्छा वजनदार फूल आएंगे इसका बिल्कुल तो ये गुलाब की बात थी और गुलाब को किस तरीके से हमें जो छटाई करना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और अंतराल जो आपने बताया वो बहुत सही हाँ। है कि पंद्रह पंद्रह दिन के अंतराल से करेंगे तो आपकी जो जो आपकी रेगुलर इनकम है वो आपकी बनी, बनी रहेगी और सर ने बताया कि खाद भी कैसे करना है कुछ और चीजें एक एक चीज और जो ऐसे किसान जो एकदम फूलों की खेती प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है जी पौधे जो पॉलीथीन पॉलीथीन वाले लेकर आए लगे हाँ। हुए और उनका रोपण एक एक मीटर की दूरी पर दूरी भी एक मीटर रखें और कतार से कतार की दूरी भी एक, एक मीटर रखें तो इससे उनको ज्यादा आमदनी मिल जाएगी पौधा रोपण के एक महीने से डेढ़ महीने पहला फूल आ जाएगा वो लगभग चार से पांच साल तक अच्छा पौधा रहता है पांच छह साल के बाद आपको बदलना चाहिए पौधा लेकिन एक बार रोपण के बाद चार पांच साल आराम से उसको ये गुलाब की बात गुलाब की चलिए चलिए तो ये नई नर्सरी की बात हो रही है वैसे नर, नर्सरी शब्द आया तो किस तरीके से अभी हमें जब जब नए हम शुरू कर करें तो, तो वो कर का मतलब यह है कि देखिए हमेशा ये ये हमारा इकोनॉमिक्स का इसका सिद्धांत रहता है कि हमारी लागत कम हो और आय ज्यादा हो जी जो भी एक किसान है या व्यापारी है उसका यही सिद्धांत रहता है कि हमको लागत कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो बिल्कुल जिससे मैंने आपका अगर आपने अभी प्रारंभ किया कि हम गुलाब का करना चाहते हैं तो जब आप इस मौसम में लगभग सभी प्रगतिशील किसान गुलाबों की कटिंग करते हैं बिल्कुल उन्हीं कटिंग से पौधे तैयार होते हैं बिल्कुल तो वो अपने संपर्क सूत्र में रहें अपने आसपास के गांव में रहें जिसमें जहां भी कटिंग मालती है वहां से लाके उसकी रोपण तैयार कर रहे हैं रोपण तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है नर्सरी तैयार करने के लिए कि पहले जो पॉलीथीन पैकेट रहता है उसका सबसे अच्छा साइज होता है नौ इंच बाई आठ इंच और उसके अंदर गोबर की खाद रेत मट्टी और आ, सुपरफास्ट फूड थोड़ा सा मिला के और प्रॉपर तैयार कर लें उसको जो पन्नी रहेगी उसके दो चीज ध्यान रखिए एक तो गेज होता है तो ढाई सौ गेज कफ, काफी अच्छा पॉलिसी माना जाता है गेज इसलिए कहा जाता है कि इससे पतले भी आते हैं उससे मोटे भी आते हैं तो तो पतले है। लेने में क्या है उसको हैंडल करने फट जाएगा फट जाएगा लेकिन अगर मोटा होगा तो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी बिल्कुल तो हमको कास्ट भी ध्यान रखना है फटे नहीं उसके अंदर छिद्र कर लेते हैं पन्नी के अंदर और पन्नी के अंदर फिर जो कटिंग गुलाब के हम दूसरी जगह से लेके आएंगे और हमेशा इसके अंदर सेमी हार्डवुड जो बोलते हैं ना जिसके अंदर ना हरी है ना भूरी है अच्छा। गुलाब कटिंग पक्की जो डाली है उसको नौ नौ इंच की कटिंग करके और उन जो पैकेट हम लेकर आए इनके हम लगा दें तो लगभग सत्तर से अस्सी परसेंट आपके पौधे तैयार हो जाएंगे बिल्कुल सो पौधे कटिंग आपने लगाई है तो लगभग सत्तर से अस्सी पौधे आपको तैयार हो जाएंगे इसको आप

और उनमें एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है जैसे कि वो बीज लेके आते हैं तो बीजों का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है किस्म बहुत जरूरी होती है तो क्या ऐसे फूलों में कोई किस्म होती है बीज होती है जिनका हमारे जो किसान भाई है वो ध्यान रखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हम कहते हैं ना कि उसका उपचार हम करें जी जो सीड ट्रीटमेंट होता है क्या बीज उपचार भी इन सब चीजों में महत्वपूर्ण होता है देखिए आज के जो मौसम है आपके चल रहा है उसमें दवाइयों का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है जी और जितने अपने हाइब्रिड जो संकर किस्में हैं इनका ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है इनके दो फायदे हैं एक तो पौधा क्या फूल अच्छा मिलता है बिल्कुल और इसकी क्वालिटी अच्छी आती है रेट आपको अच्छा मिलता है जो आप कलर लेके आते हैं मिल जाता है देसी के अंदर हमने वो बात नहीं आ पाती फूल भी छोटा रह जाता है वो रह जाता तो जितनी हाइब्रिड किस्में आती हैं ये निश्चित पहले से ही ट्रीटेड रहती हैं आपको अलग से कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती जो गेंदा है या

ट्रीट करके कर लगाए तो बीमारी नहीं लगेगी बिल्कुल ये शुरू की तैयारी शुरू की तैयारियां है ना इसके बाद जब आप एक बार रोपण कर दें भरपूर मात्रा में गोबर कर दें तो पहले से आप एक प्लान करके चले मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने बिना प्लान के किया तो उतना लाभ नहीं हो पाता चाहिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो हमारी शरद काल में फूलों की खेती है ये क्रम क्रम से हमें करना है और जिस तरीके से चर्चा हो रही है मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं अभी कुछ और जानकारी हम जानेंगे फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप बने रहिए कृषि दर्शन के साथ में अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतंत्र को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है ही? अच्छा ये बात है हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफसीआईएल के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीबीएफसीएल की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात कर रहे हैं शरद काल में फूलों की खेती के बारे में हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं एम एच सेफ़ी जी जो कि सहायक संचालक हैं उद्यानिकी भोपाल से सर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे किस तरीके से हमारी जो नर्सरी है वो तैयार हम करना है फूलों में कितनी वैरायटी होती हैं फूलों में कितने हम किस में जो हैं वो लगा सकते हैं कितनी प्रजातियां हैं वो हम लगा सकते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो लागत है उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हम फूलों की खेती करें हम इस पर हम बात कर रहे थे

सीधा सीधा मतलब है कि जिसके अंदर हम वातावरण को कंट्रोल कर लेते हैंचर जी जी हाँ, हैं हैं हैं। दोनों आपका कंट्रोल है है। 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 सपोज करें कि आप गुलाब को अगर मान लो टेम्परेचर चाहिए 16 से 20 बाईस डिग्री सेंटीग्रेड तो वो हम उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल ह्यूमिडिटी अगर हमको चाहिए सत्तर अस्सी परसेंट तो उसको मेंटेन कर बिल्कुल

इसमें क्या है कि इसमें ज्यादा आपकी जमीन की जरूरत भी नहीं होती, जैसे आप खेती करते हैं ओपन कंडीशन तो आपको एकड़ में जमीन की होती है बिल्कुल इसमें मीटर में होती है स्क्वायर मीटर के अंदर सबसे अच्छा जो होता है दो हजार से लेके चार हजार स्क्वायर मीटर तक का पोलीहाउस काफी अच्छा माना जाता है इसके अंदर जो होता है इसमें डच रोजेस होते हैं जो आप देखते हैं ना बुके के अंदर लगते हैं आज कल लंबे हाँ हाँ रंग बिरंगे उनकी खेती की जाती है जरबेरा है उसकी की है, है, उसकी जाती है कार्नेशन है उसकी की जाती है फूल है इनकी खेती की जाती है ये कंट्रोल कंडीशन में चाहिए ओपन में नहीं होती ओपन में नहीं ओपन में क्या जो अपना टेम्परेचर अप डाउन बहुत तेजी से होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपको नुकसान ज्यादा हो जाता है तो पहले किसान मेरा आपसे सबसे बढ़िया सलाह यह है कि पहले आप ओपन फील्ड के अंदर इन खेतियों का अनुभव करें गुलाब की गेंदे की गलाडिया की जो जो सीजन के हिसाब से गलू डलाई की जब आपको लगे कि हमें इसमें कुछ सीख चुके एक साल दो साल बाद फिर पोलिया की स्थापना करते हुए उसके अंदर फूलों की खेती हाँ करें हाईटेक टेक करें तो इस तरीके से हमारे किसान भाई जो है वो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे किसान भाइयों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दबाई तो यहाँ पर हमने जाना किस तरीके से हम शरद काल में फूलों की खेती कर सकते हैं और इतनी बहुत सारी जानकारियां तो किसान भाइयों फिलहाल अभी हम चलते हैं खबरें खेती की ओर नमस्कार किसान भाइयों बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ कृषि को उन्नत खेती में बदलने की जरूरत उद्यान की फसलों के नवाचारों की जानकारी दे एक करोड़ उनचालीस लाख हेक्टेयर में ली जाएंगी रबी फसलें सरसों का बढ़ाए उत्पादन औषधि गोल। और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से कृषि को उन्नत खेती में बदलने की जरूरत केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश आसानी से पार पा सकता है आज अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में हम दुनिया के पहले या दूसरे स्थान पर हैं इसके बावजूद कृषि क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं कृषि उन्नत खेती में बदले कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो वह इसकी निरंतरता बनी रहे इस दिशा में काम करने की जरूरत है श्री तोमर ने ये बात एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और कृषि सामग्री एकीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली कही श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र जितना मजबूत व फायदेमंद होगा देश उतना ही मजबूत होगा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि तिलहन में आयात निर्भरता कम करने के लिए ग्यारह हजार करोड़ रुपए के खर्च से ऑयल पाम मिशन शुरू किया गया है देश में 28 लाख हेक्टेयर भूमि ऑयल पाम की खेती के लिए अनुकूल है पूर्वोत्तर में अनुकूलता ज्यादा है गांव गांव इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का प्रावधान किया गया है पशुपालन मत्स्य पालन औषधीय खेती के लिए भी विशेष पैकेजों का प्रावधान किया गया है श्री तोमर ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी भारत सरकार काम कर रही है जिससे किसान बैंक व अन्य संस्थान जुड़े रहेंगे क्रॉप आकलन व जानकारी एकत्रित एक करेंगे नुकसान का आकलन भी तकनीक से किया जाएगा उद्यानिकी फसलों के नवाचारों की जानकारी दें मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण में हुए नवाचारों की जानकारी से किसानों को अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने संभाग जिला और विकासखंड स्तर पर जानकारी देने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा है राज्य मंत्री ने विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में पिछले वर्षों में काफी उन्नति हुई है उन्होंने कहा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं और नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने के लिए संभाग जिला और विकास खंड स्तर पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए अगले दो सप्ताह में कार्यवाही करें एक करोड़ उनचालीस लाख हेक्टेयर में ली जाएंगी रबी फसलें मध्य प्रदेश में इस वर्ष रबी दो व तेईस में एक करोड़ उनचालस लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में रबी फसलें लगाई जाएंगी गत वर्ष एक करोड़ अड़तीस लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली गई थी और इस वर्ष लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है कृषि विभाग के मुताबिक इस वर्ष राज्य में एक लाख अस्सी हजार हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है इसमें प्रमुख गेहूं की बोनी नवासी दशमलव दो लाख हेक्टेयर में की जाएगी चालू रबी में मुख्यतः गेहूं का रकबा लगभग तीन लाख हेक्टेयर कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे दालों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके तथा तेलों की कीमत को बढ़ाया जा सके नियंत्रित किया जा सके वहीं खाद्यान्न फसलों के जौ की बोनी एक लाख तीस हेक्टेयर में होगी राज्य में दलहनी फसलों के तहत मुख्य रूप से चने की बोनी चौबीस दशमलव सैतालीस लाख हेक्टेयर में मसूर छह दशमलव उनचालीस तथा मटर दो दशमलव अस्सी लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी इसी प्रकार तिलहनी फसलों में मुख्यतः सरसों की बुआई तेरह दशमलव छह लाख हेक्टेयर में तथा अलसी एक दशमलव सत्ताईस लाख हेक्टेयर में ली जाएगी इस वर्ष सरसों का रकबा गत वर्ष की तुलना में लगभग पाँच लाख हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा वहीं रबी की नकदी फसल गन्ने की बुआई एक लाख उनचालस हजार में होगी इस वर्ष रबी में उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के उद्देश्य से प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा वहीं राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सरसों का बढ़ाएं उत्पादन सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके अपनाने होंगे सबसे पहले खेत से अतिरिक्त पौधे निकाल दें ताकि फसल को सही पोषक खुराक मिल सके खरपतवार प्रत्येक फसल में चुनौती बनकर खेत में रहते हैं उनको निकालना अत्यंत आवश्यक कार्य होता है कोई भी सिंचाई या उर्वरक देने से पहले ही खरपतवार बुआई के 30 से 35 दिनों के अंदर ही हटा दिए जाने चाहिए सिंचित फसल को पहली सिंचाई बुआई के तीस दिनों बाद तथा दूसरी सिंचाई बुआई के पचपन से साठ दिनों के बाद किया जाना चाहिए यदि एक ही सिंचाई का साधन हो तो पुष्य अवस्था में सिंचाई करें माहों का आक्रमण प्रत्येक अवस्था में हो सकता है पचास माहों प्रति पौध होने के तुरंत बाद मिथाइल डेमेटान 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से दो छिड़काव पंद्रह दिनों के अंतर से करें मित्र कीट की सक्रियता पर भी नजर रखने के बाद ये कार्य संभव शाम के समय करें ताकि वर्गीकरण क्रिया में सक्रिय कीटों की हानि नहीं हो पाए पत्तों पर धब्बा रोग के बचाव के लिए मैंगोज़ेब दो ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पंद्रह दिनों के अंतर से दो बार छिड़काव करना चाहिए औषधीय फसल ई सब गोल औषधीय फसल ई सब गोल मध्य प्रदेश के मालवा में भी की जाती है और इसकी बोनी 20 नवंबर तक की जा सकती है इसके लिए खेत से जल निकासी वाली दोमट भूमि की जरूरत होती है इसमें ध्यान रखने की जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि इसका हल्का बीज बारिक और हल्का होता है इसलिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करने की जरूरत होती है ये सब गोल लगाने वाले किसान भाई चाहें तो जे आई दो किस्म लगा सकते हैं इसे सर्वोत्तम किस्म माना गया है अन्य किस्मों में जे आई चार एच आई पाँच का भी चयन किया जा सकता है नगद मुनाफा देने वाली इस सब गोल की खेती कई तरह से किसानों को फायदा पहुंचाती है इसकी खेती के लिए वैज्ञानिकों के मुताबिक बीज को गोबर खाद में मिलाकर बोनी करने से पौध संख्या में वृद्धि होती है लेकिन फसल बहुत ज्यादा घनी नहीं होती है इस फसल के लिए उर्वरकों की भी जरूरत होती है जिसमें 125 किलोग्राम यूरिया तथा 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और आइए किसान भाइयों अब नजर डालते हैं रबी फसलों के समर्थन मूल्य की गेहूं की बात की जाए तो जिसकी एमएसपी 2022 व 23 में 2015 रुपए रही एमएसपी बढ़कर 2023 व 24 में दो रुपए हो जाएगी जिसके समर्थन मूल्य की लागत जो कि बढ़ी है तकरीबन 110 रुपए है जौ की बात की जाए तो 2022 व 23 में सोलह सौ की इसकी कीमत रही 2023 व 24 में इसकी कीमत बढ़कर सत्रह सौ हो सकती है इसमें तकरीबन सौ रुपये का इजाफा होगा चने की बात की जाए तो 2022 व 23 में इसकी कीमत पाँच हज़ार रही जो कि 2023 व 24 में पाँच हज़ार हो जाएगी इसकी लागत में इजाफा होगा एक सौ का मसूर की बात की जाए तो पाँच हज़ार पाँच सौ रुपये दो व तेईस में इसका समर्थन मूल्य रहा जो कि 2023 व 24 में बढ़कर छः हज़ार हो सकता है पाँच सौ रुपये का इसमें इजाफा हो सकता है सरसों की बात की जाए तो 2022 व 23 में पाँच हज़ार पचास रुपये इसकी कीमत रही जो कि आने वाले वर्ष में बढ़कर पाँच हज़ार चार सौ पचास रुपये हो सकती है इसमें तकरीबन चार सौ रुपये का इजाफा होगा वहीं कुसुम के तेल की हम बात करें तो 2022 व 23 में इसकी कीमत पाँच रही जो कि बढ़कर पाँच हो सकती है दो सौ रुपए का इसमें इजाफा हो सकता है इसी के साथ किसान भाइयों खबरें खेती में आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार तो अब किसान भाइयों खबरें खेती के बाद में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ में तब तक के लिए आप बने रहिए और हमें दीजिए आज्ञा नमस्कार ...